बच्चों, आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो है विश्व के जलवायु प्रदेश। जलवायु प्रदेश, देखिए जलवायु शब्द दो शब्द से बना है, जल और वायु, और इसी से हमारे पूरे जलवायु की जो अवधारणा है वो यहाँ पर आकर के पूरी मिल जाती है। तो ये जलवायु प्रदेश क्या है? बच्चों, आपने इसके पहले भी कुछ बातें जानी हैं, जैसे कि ताप के कटिबंध बहुत सारे है हमारे पास, जैसे उष्ण कटिबंध है, शीतोष्ण कटिबंध है और शीत कटिबंध है। ये ताप के कटिबंध है। ये कटिबंध किस आधार पर बने हैं? सूर्य से प्राप्त होने वाली किरणों के आधार पर। सूर्य की सीधी किरणें उष्णकटिबंध पर प्रायः वर्ष भर पड़ती है, शीतोष्ण कटिबंध पर तिरछी पड़ती हैं, और शीत कटिबंध पर ये किरणें देखिए एकदम तिरछी होती है। इससे ताप में पृथ्वी का जो विभिन्न क्षेत्र है यहाँ पर तापांतर होता है। इसी प्रकार से धरातल पर जो हवाओं की पेटी है, इसको भी आपने पहले देखा है कि हवाएं जो है धरातल पर, कुछ हवाएं हमेशा विद्यमान होती है। जैसे भूमध्य रेखा के आसपास देखिए व्यापारिक हवाएं हैं, पछुआ हवाएं हैं, ध्रुवीय हवाएं हैं, ये प्रमुख हवाएं हैं। ये हवाओं के नाम उनके बहने की दिशाओं के आधार पर किए गए हैं। इन हवाओं का जो क्षेत्र है उसके बीच बीच में आप देखेंगे वायुदाब की पेटियां हैं, कहीं निम्न वायुदाब है और कहीं उच्च वायुदाब है। ये सब क्या है? ये जलवायु को प्रभावित करते हैं, और इसीलिए आज जो हम अध्ययन करने जा रहे हैं विश्व में जलवायु, तो जहाँ पर तापमान और जलवायु की जो पेटियाँ हैं ये एक दूसरे के संयोग से जिस प्रकार का मौसम या जिस प्रकार की जलवायु उस क्षेत्र में निर्धारित करती है उसे ही हम जलवायु पेटी कहते हैं। जलवायु का वर्गीकरण करने के लिए बहुत से पद्धतियां अपनाई गई हैं। इन पद्धतियों में सबसे पहली है आनुभविक पद्धति, एम्पिरिकल मेथड जो है। इस मेथड के अंतर्गत जलवायु में तापमान और वर्षा, ये दो तत्व महत्वपूर्ण हैं, और इसके संबंध से अलग अलग क्षेत्र में चूंकि तापमान अलग अलग है, वर्षा की प्रवृत्ति अलग अलग है, तो इनके आधार पर अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग जलवायु बनती है और हम अलग अलग जलवायु के नाम से उसको संबोधित करते हैं। दूसरा जो वर्गीकरण है ये है जननिक, जेनेटिक विधि से जलवायु का वर्गीकरण किया गया है। इसमें जलवायु के जो और सूक्ष्म तत्व हैं इन तत्वों को लेकर के जेनेटिक वर्गीकरण होता है। तीसरा जो वर्गीकरण है इसको हम व्यावहारिक या अनुप्रयुक्त अप्लाइड कहते हैं। हम जो चीज़ें उस क्षेत्र में देख रहे हैं या महसूस कर रहे हैं उस आधार पर यह वर्गीकरण किया गया है। जलवायु के इस वर्गीकरण में सबसे पहले कोपेन महोदय ने अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया है, और उनका ये वर्गीकरण जो है ये आज भी एक अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण आधार
प्रदान करता है। व्लादिमीर कोपेन जलवायु तज्ञ तो थे ही, साथ में ये वनस्पति विज्ञान के भी ज्ञाता थे और उन्होंने जलवायु के विभिन्न जो तत्व हैं जिसमें विशेष रूप से तापमान और वर्षा और इसका प्रभाव उस क्षेत्र की वनस्पति पर कैसा पड़ रहा है, इस आधार पर इन्होंने जलवायु का वर्गीकरण किया है। इन्होंने वैसे तो जलवायु का वर्गीकरण सन 1918 में किया था, लेकिन 1931 में इन्होंने इस वर्गीकरण को प्रस्तुत किया और बाद में और भी संशोधन करके 1936 में प्रस्तुत किया है। उनका ये जो जलवायु का वर्गीकरण है, ये तापमान और वर्षा मुख्य आधार है और इसी आधार पर इन्होंने संपूर्ण विश्व को जलवायु प्रदेशों में बांटा है। इनके जो जलवायु प्रदेश है, इसमें इन्होंने अंग्रेजी वर्णमाला के कुछ अक्षरों को लिया है और उसी आधार पर इन्होंने जलवायु को प्रमुख रूप से 5 वर्गों में रखा है। इसके फिर उपविभाग किए हैं और 11 उपविभाग किए हैं और उसके बाद लगभग और भी 25 इन्होंने इसके और भी उप उपविभाग किए हैं और इस प्रकार से विश्व की जो जलवायु है इसको इन्होंने प्रस्तुत किया है। इनके जो जलवायु का वर्गीकरण है, इसमें सबसे पहले जो जलवायु आ रही है ये है ए। इन्होंने ए बी सी डी और ई ये प्रमुख नाम दिए हैं। ए जलवायु जो है ये उष्ण एवं आर्द्र जलवायु का क्षेत्र है। बी जलवायु जो है यह शुष्क जलवायु का क्षेत्र है। सी जलवायु जो है ये गर्म और शीतोष्ण आर्द्र जलवायु, जिसको हम कोष्ण जलवायु भी कहते हैं, तो उसका ये क्षेत्र है। डी जो है आर्द्र और अल्पतापी, या हम इसको शीतल जलवायु कह सकते हैं, तो शीतल जलवायु का ये क्षेत्र है। और ई जो जलवायु है यह शीत जलवायु के अंतर्गत आता है। तो ये 5 जलवायु में देखिए, ये जो बी को यदि हम छोड़ दें तो ए सी डी और ई ये जलवायु तापमान के साथ वर्षा पर आधारित है, जबकि बी जलवायु जो है यह शुष्क जलवायु, जहाँ पर अत्यधिक वाष्पीकरण की क्रिया से शुष्कता बढ़ गई है, यह बी जलवायु इसका प्रतिनिधित्व करती है। इन्होंने जलवायु के और भी जलवायु के वर्गीकरण के लिए कुछ और भी शब्दों का प्रयोग या और भी लेटर्स जो है ये उपयोग में लाए हैं, जैसे एस। एस जो है वो स्टेपी जलवायु को दिखाता है। स्टेपी जलवायु कैसी है बच्चों? यहाँ पर आर्द्रता कम होती है, वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम होती है, क्योंकि ये महाद्वीप के मध्यवर्ती भाग में, देखिए मानचित्र में यहाँ पर यह परिलक्षित हो रहा है, तो यहाँ पर वाष्प भरी हवाएं आते आते यहाँ पर सूख जाती है, वर्षा नहीं कराती, और इसलिए जितनी भी वर्षा हो रही है वाष्पीकरण तेजी से हो जा रहा है। उसके फलस्वरूप यहाँ पर केवल प्राकृतिक वनस्पति या घास ही विकसित हो पाती है और कोई वनस्पति यहाँ पर नहीं होती। घासें यद्यपि काफ़ी बड़ी बड़ी होती है और जब थोड़ी बहुत वर्षा होती है तो ये घासों का विकास हो जाता है, तो इसे एस नाम से संबोधित किया है। डब्ल्यू शब्द जो है यह मरुस्थलों के लिए उपयोग में लाया है। इसके बाद टी शब्द जो है यह टुंड्रा प्रदेश को दर्शाता है और जो एफ शब्द है यह हिमाच्छादित प्रदेशों को दर्शा रहा है। तो इस प्रकार से इन्होंने और भी अतिरिक्त
शब्दों को लेकर के जलवायु का वर्गीकरण करने का प्रयास किया है। इतना ही नहीं, इन्होंने कुछ स्मॉल लेटर्स भी लिए हैं, और ये स्मॉल लेटर में एफ़ क्या है, स्मॉल एफ़ जो है जहाँ पर वर्ष भर वर्षा होती है, इसे एफ़ स्मॉल एफ़ से दिखाया है। जबकि स्मॉल एम जो है ये मानसूनी जलवायु को प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार से डब्ल्यू शीतल जलवायु को दिखाता है, लेकिन शीतकाल में ये जलवायु शुष्क होती है। और स्मॉल एस जो है ये ग्रीष्मकाल में शुष्क, जबकि शीतकाल में जहाँ पर वर्षा हो रही है तो ऐसी जलवायु को यह प्रस्तुत करता है। तो इस प्रकार से बहुत सारे लेटर लेकर के उन लेटर को इन्होंने अलग अलग जलवायु के नाम से प्रस्तुत किया है। आइए हम और भी कुछ जलवायु के लिए वर्गीकरण है तो इसको हम आगे देखते चले जाएंगे। सबसे पहले हम देखेंगे ए। ए का मतलब क्या है? उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु। उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु भूमध्य रेखा और उसके आसपास के क्षेत्र में मिलती है। बच्चों, ये भूमध्य रेखा यानी पृथ्वी का मध्यवर्ती भाग, यहाँ सूर्य की किरणें वर्ष भर सीधी चमक रही है, और सीधी चमकने के कारण यहाँ पर वाष्पीकरण होता है। लेकिन वाष्पीकरण की तुलना में वर्षा अधिक होती है, और इसलिए जो वाष्पीकरण है दिन में 12 एक बजे तक तो धूप सीधी पड़ती है, जिससे वाष्पीकरण की प्रक्रिया हो रही है। लेकिन यहाँ पर 4 बजे प्रतिदिन तेज मूसलाधार बारिश होती है, और वर्षा इतनी अधिक होती है कि वाष्पीकरण की गति अपेक्षाकृत कम दिखाई देती। गर्मी बहुत अधिक है लेकिन वर्षा प्रतिदिन हो रही है। और इस प्रकार की जो जलवायु है ये मुख्य रूप से अमेज़ान, दक्षिण अमेरिका में जो अमेज़ान नदी का पूरा क्षेत्र है, वैसे ही अफ्रीका में कांगो नदी, कांगो और जायरे का जो क्षेत्र है, और एशिया का जो दक्षिणी पूर्वी द्वीप समूह है, ये क्षेत्र इस जलवायु से प्रभावित है, या इस प्रकार की जलवायु यहाँ पर पाई जाती है। और अत्यधिक वर्षा के कारण क्या होता है, यहाँ पर बहुत घनी वनस्पति पाई जाती है, बड़े बड़े वृक्ष, बहुत विशाल वृक्ष होते हैं। वृक्षों की जो ऊंचाई है 30 से 40 मीटर तक होती है। वृक्ष इतने फैल जाते हैं कि नीचे में अंधकार जैसी स्थिति होती है, क्योंकि वृक्ष के घनेपन के कारण नीचे तक सूर्य की किरणें नहीं पहुंच पाती। विभिन्न प्रकार के जंगली जानवरों का यहाँ निवास है। वृक्षों से लपेटी हुई अनेक लताएं हैं, या हम कह सकते हैं कि ये क्षेत्र जैव विविधता का क्षेत्र है। तो ये उष्णकटिबंधीय जलवायु की विशेषता है। उष्णकटिबंधीय जलवायु को दो वर्गों में पहले बांटने का प्रयास किया, तो पहली जो जलवायु ये है एएफ़ जलवायु का प्रदेश। एएफ़ क्या है? उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु, जो भूमध्य रेखा के पास में, जैसा अभी मैंने बताया, भूमध्य रेखा अफ्रीका के पास में अमेज़ान नदी, कांगो नदी और दक्षिणी पूर्वी एशिया के मुख्य जलवायु है। यहाँ पर जो तापमान होता है ये 30 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होता है। दिन में ऊंचा तापमान होता है, लेकिन यहाँ पर रात में जो तापमान है कुछ कम हो जाता है, क्योंकि घनघोर बारिश शाम को होती है। दूसरा जो प्रकार है इसे हम कहते हैं एडब्ल्यू जलवायु। एडब्ल्यू उष्णकटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क जलवायु, जो थोड़ा सा हम भूमध्य रेखा से कुछ उत्तर और कुछ दक्षिण की ओर आ जाए तो यहाँ पर आर्द्रता तो है लेकिन इतनी अधिक बारिश नहीं होती, तो ये जलवायु प्रायः शुष्क होती है। सामान्य रूप से ये जो शुष्क जलवायु है ये पश्चिम
में ये जलवायु, महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में ये जलवायु अधिक शुष्क होती है, और इसी प्रकार से जो पूर्वी भाग है, पूर्वी भाग में ये जो जलवायु है इसमें भी दो प्रकार के जलवायु के लक्षण देखने को मिलते हैं। एक जलवायु जो है वो CF जलवायु कहलाती है, और दूसरी जो जलवायु है इसे हम CW जलवायु कहते हैं। ये महाद्वीप के पूर्वी भागों में देखने को मिलती है। विशेष रूप से आप यहाँ पर देख लीजिए कि ब्राज़ील के वनों के उत्तरी भाग में, दक्षिणी जो बोलीविया का क्षेत्र है, पराग्वे का क्षेत्र है, सूडान और अफ्रीका के दक्षिण में इस प्रकार की जलवायु मिलती है। तो ये जो जलवायु का क्षेत्र है ये भूमध्य रेखा से कुछ उत्तर में, पूर्व और पश्चिम में ये क्षेत्र अलग अलग विकसित हो गए हैं। इसी प्रकार से AM प्रकार की जो जलवायु है ये कम वर्षा वाली जलवायु है। यहाँ पर वर्षा काल बहुत ही छोटा होता है और ग्रीष्म ऋतु जो होती है ये काफ़ी लंबी होती है। इस प्रकार की जलवायु में पर्णपाती वन, पतझड़ वाले वन, इसके पहले जो जलवायु चूँकि वर्ष भर वर्षा होती तो वहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो ये क्षेत्र है यहाँ पर्णपाती वन पाए जाते हैं। बहुत घास के मैदान विकसित हो जाते हैं, बहुत सी लताएं विकसित हो जाती है, और इस प्रकार से ये पूरी भूमि हरी भरी होती है, आर्द्रता अधिक है, परंतु वर्षा अपेक्षाकृत कम होती है। तीसरी इसी प्रकार की जो ए के जलवायु के अंतर्गत ली जाती है इसको हम कहते हैं AM जलवायु। AM उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु का क्षेत्र है। मानसूनी जलवायु क्या विशेषता है? बच्चों, हम लोग भारत में रहते हैं और भारत में तो मानसूनी जलवायु ही पाई जाती है। यहाँ की जलवायु को आप अच्छे से समझ सकते हैं। इस जलवायु की क्या विशेषता है कि यहाँ पर ग्रीष्मकाल के बाद प्रचुर वर्षा होती है। ग्रीष्मकाल का उत्तरार्ध हम इसको कहते हैं, जब वर्षा पर्याप्त मात्रा में होती है। जो शीतकाल का समय होता है वह छोटा होता है, और जो शीतकाल में कभी कभी वर्षा हो जाती है लेकिन यह वर्षा 6 सेंटीमीटर के आसपास लगभग होती है। इसके अंतर्गत भारतीय उपमहाद्वीप यानी पूरा का पूरा क्षेत्र आता है, उसके अलावा उत्तरी पूर्वी दक्षिणी अमेरिका का क्षेत्र आता है, और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया का कुछ हिस्सा इसमें आता है जहाँ पर मानसूनी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। लेकिन मुख्य रूप से भारत जो है ये एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। तो ये ए प्रकार की जलवायु का वर्गीकरण हुआ। लेकिन यहाँ पर कुछ जलवायु के लिए यदि हम जलवायु के सूक्ष्म तत्वों को देखें तो ये भी अपना प्रभाव कहीं कहीं पर डालते हैं। तो ऐसे जलवायु के तत्वों के साथ मिला करके कोपेन महोदय ने और भी जलवायु के नामों को प्रस्तुत किया है। इन नामों को आप देखेंगे तो जैसे W-W क्या है? शरद ऋतु में अत्यधिक वर्षा होती है, ये W- जलवायु है। दूसरी जो है W-डबल-डैश, यहाँ पर वर्षा काल दो बार आता है, किसी क्षेत्र में दो बार वर्षा हो रही है और उसके बीच का जो समय रहता है ये शुष्क होता है, तो इसको W-डबल-डैश वाली जलवायु कही गई है। तीसरी जो है ये है I, सबसे गर्म और सबसे ठंडा जलवायु के जो क्षेत्र होते हैं इसमें गर्मी भी अधिक होती है और ठंडे भी अधिक होती है, लेकिन गर्मी और ठंडी के बीच का जो तापांतर होता है वह 5 अंश का होता है। तापांतर दो समय के ताप के अंतर को तापांतर कहते हैं। तो ग्रीष्मकाल
और शीतकाल, जो सबसे अधिक गर्म समय है और जो सबसे अधिक ठंडा समय है, लेकिन इसमें अंतर नहीं होता, ये केवल 5 डिग्री सेंटीग्रेड का ही अंतर यहाँ पर होता है। और अगला जो वर्गीकरण है, इसे जी, स्मॉल जी, यानी जी का तात्पर्य है गंगा तुल्य क्षेत्र, गंगा के मैदान में जिस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, जो मानसूनी जलवायु है, ग्रीष्मकाल पहले सूखा होता है और उसके बाद ग्रीष्मकाल के उत्तरार्ध में बहुत अधिक बारिश होती है, और ग्रीष्मकाल में तापमान, जैसे ही ग्रीष्मकाल शुरू होता है तापमान लगातार बढ़ता चला जाता है, और ग्रीष्म के अंत में तापमान जब अधिकतम पहुंच जाता है तो फिर यहाँ पर वर्षाकाल प्रारंभ होता है। तो इस प्रकार की जो जलवायु के सूक्ष्म तथ्य हैं, इन तथ्यों को और भी ऐसे स्मॉल लेटर के नाम से कोपेन ने प्रस्तुत किया है। इसके बाद हम दूसरी जलवायु देखेंगे, बी जलवायु। बी जलवायु क्या नाम है इसकी? शुष्क जलवायु। शुष्क जलवायु जहाँ पर वाष्पीकरण बहुत अधिक मात्रा में होता है, और ये वाष्पीकरण जहाँ पर अधिक होता है तो वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर जमीन में तो जल होता ही नहीं, जितनी नदियाँ हैं ये नदियाँ भी सूख जाती है, भूमिगत जल है इसका स्तर भी काफ़ी नीचे चला जाता है, और पूरा वातावरण कैसा हो जाता है? शुष्क हो जाता है, रेगिस्तान का वातावरण हो जाता है। बच्चों, आपने रेगिस्तान देखा, चित्र में भी देखा है, तो ये कैसा होता है? पूरा सूखा होता है, रेत। रेत क्यों बन जाती है? मिट्टी का वाष्पीकरण इतना अधिक होता है कि जो मिट्टी है वो रेत के कणों में, पूरा पानी सूख जाता है तो रेत के कणों में वह बिखर जाती है। तो इस प्रकार यहाँ पर वर्षा भी बहुत कम होती है, केवल 25 सेंटीमीटर या उससे भी कम वर्ष भर में वर्षा होती है। ग्रीष्मकाल ही पूरा लंबा होता है, और शीतकाल जो होता है ये बहुत नहीं छोटा, दिन गर्म और रात ठंडी, ये मरुस्थल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है। तो इस प्रकार की जो जलवायु होती है, इसे दो वर्गों में बांटने का प्रयास किया है। पहला वर्ग है BSH, बी एस और स्मॉल एच। तो ये जो जलवायु है ये स्टेपी जलवायु कहलाती है। स्टेपी जलवायु का अभी मैंने आपको दिखाया था कि ये महाद्वीप के मध्यवर्ती भाग में सबसे अधिक विकसित हो गई है, और इस जलवायु वाले क्षेत्र में वर्षा, चूँकि महाद्वीप का मध्यवर्ती भाग है, किसी भी तरफ से वर्षा आते आते जो बादल, वर्षा के मेघ है, ये सूख जाते हैं और यहाँ पर बहुत कम वर्षा हो पाती है, नहीं के बराबर, 35-36 से 75 सेंटीमीटर अधिकतम वर्षा यहाँ पर होती है, और उसके कारण ये पूरा क्षेत्र जो है ये घास के मैदान के रूप में विकसित हो जाता है। तो इस प्रकार की जो स्टेपी जलवायु है, यहाँ पर जो एच शब्द है ये औसत वर्षा और ताप के अंतर को दिखाता है, बहुत कम वर्षा और तापांतर जो होता है यहाँ पर 18 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होता है। ग्रीष्मकाल और शीतकाल के तापांतर की यदि हम बात करें तो 18 डिग्री सेंटीग्रेड का अंतर यहाँ पर आता है। दूसरी जो जलवायु है इसे हम कहते हैं BWH, BWH यानि मरुस्थलीय जलवायु, पूरी तरीके से मरुस्थल। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि मरुस्थल कहाँ पर हैं? मरुस्थल देखिए भूमध्य रेखा के बहुत करीब है, और इतने करीब है ये मरुस्थल कि हम कहेंगे कि यहाँ पर वर्षा क्यों नहीं हो रही है। लगभग महाद्वीप का पश्चिमी भाग यह मरुस्थल बन गया है। ये मरुस्थल का जो क्षेत्र है यहाँ वर्षा का नितांत अभाव है। अब नितांत अभाव का कारण क्या है कि इस क्षेत्र में, एक तो ये क्षेत्र जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था कि हवाओं की पेटियाँ, तो ये पछुआ हवाओं की पेटी में आता है। पछुआ हवाएं जो पश्चिम से पूर्व की ओर चल रही है, और मरुस्थल पश्चिम में ही बन गए, तो पछुआ हवाओं से यहाँ पर बारिश तो होनी चाहिए, किंतु
इस क्षेत्र से बहने वाली जो जलधाराएं हैं ये ठंडी जलधाराएं हैं। ठंडी जलधाराएं क्या करती है, यहाँ पर हवाएं बैठ गए, ठंडी अधिक होने के कारण बैठ के चलती है, और ठंडी जलधाराओं के कारण इस क्षेत्र में वर्षा कम होती है। तो वर्षा के अभाव में इस क्षेत्र में मरुस्थल बन गए हैं। आपने कुछ विश्व के मरुस्थलों के नाम भी सुने हैं, जैसे सहारा और कालाहारी का मरुस्थल, थार का मरुस्थल भी आपने सुना है, एरिजोना, अटाकामा, ऑस्ट्रेलिया का जो पश्चिमी क्षेत्र है ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का मरुस्थल कहलाता है। तो ये सभी मरुस्थलीय जलवायु जो है, यहाँ पर वाष्पीकरण इतना अधिक होता है कि इस क्षेत्र में वनस्पति का विकास नहीं हो पाता, केवल कहीं पर कटीली झाड़ियाँ जो है ये विकसित होती है।